हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बोली, भाषा और लिपि के संबंध में। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? संताली, मैथिली, बोडो और डोगरी। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषी समूह है इंडो आर्यन। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषी समूह है चीनी तिब्बती। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है किरात कहा जाता है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है निषाद कहा जाता है। अपभ्रंश के युग से राजभाषाई भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है डिंगल भाषा। एक नर पिया को भानी, तनवा को सगरा जीव पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की उनकी प्रमुख भाषा है खड़ी बोली। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया। कौन सा नाम दिया? पिंगल भाषा। पंच परमेश्वर की रचना है, अर्थात किसकी है? प्रेमचंद की। बांगुरु बोली का किस बोली से निकट संबंध है? खड़ी बोली से। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर।